नमस्कार, मेरा नाम साजदा खातून है। मैंने विषय इतिहास से स्नातक किया है। मैं प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त की हूँ। मेरा शिक्षण के क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव रहा है। मैं झारखंड के जिला रांची से हूँ, जो हमारे युवराज धोनी का शहर है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिडरा, जो चानो प्रखंड में स्थित है, वहाँ मैं सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 200 बच्चे नामांकित हैं। सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरी समस्या थी कि मेरे विद्यालय में मेरे बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं ले रहे थे। मैं लगातार प्रयास करती रहती थी, लेकिन मुझे बच्चों के सीखने के परिणामों में कोई सुधार नहीं मिल रहा था। बच्चे रुचि ना लेने के कारण बहुत अनुपस्थित रह रहे थे, जिससे मैं प्रयास करते हुए भी विफल हो जाती थी। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए मैं कई ऐसी गतिविधि, कई ऐसे नवाचार कर सकती हूँ, जिससे हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मदद मिल सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरह के सुधार हो सकते हैं। और इस तरह से मुझे प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखने को मिला। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधि के आधार पर सिखाने का अनुभव भी प्राप्त हुआ। अनुभवात्मक शिक्षा के लिए बच्चों को सिखाने के क्रम में गतिविधि शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो नवाचार, जो गतिविधि चल रही थी, उसे मैं ठीक ढंग से क्रियान्वित बच्चों के सामने कर पाई। फिलहाल कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सिखाए गए। बहुत सारी ऐप की जानकारी मिली, जैसे ई लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, श्याम पोर्टल, वाइजूस आदि मुझे सीखने को मिला। मुझे बहुत खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक नीलेश शर्मा ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया। उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में बहुत सहयोग किया। मैं अपनी समस्या का समाधान अपने विद्यालय में नए नवाचारों और नई गतिविधियों के माध्यम से निदान किया। आज मेरा विद्यालय रोल मॉडल है, क्योंकि मेरे बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। उन्हें सीखने सीखने में, खेल खेल में सीखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक का यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।